हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट दो क्लासेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी कराए थे, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे क्वेश्चंस में फॉर्मूलोस को इम्प्लीमेंट करना होता है। और सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो आज हम अपना उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और आज की क्लास के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपना कंटिन्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ध्यान से समझेंगे आज की क्लास। मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम बोलते हैं अपना केओ, और इसे ही हम बोलते हैं WACC। आज की हमारी इलस्ट्रेशन है 5.3। बहुत सारे कॉलेजेस में इस इलस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंट बताया जाता है, और ये इलस्ट्रेशन हमारे इंटरनल में भी आ जाती है। टेस्ट और इंटरनल के लिए भी ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये इलस्ट्रेशन हमारे बीकॉम में आ भी चुकी है। चलिए देखते हैं। योर कंपनी शेयर्स इज क्वाटेड इन द मार्केट एट 20 करंटली, ₹20 करंटली। आज का जो हमारा मार्केट प्राइस दे रखा है इक्विटी शेयर का, वो कितना दे रखा है? ₹20 का। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1। कंपनी हैज पेड, अभी की बात कर रहा है, याद रखना। और मैंने बताया था जब डिविडेंड अभी की बात करता है तो वो बोलता है D0 को, और अगर फ्यूचर की बात करता है तो हम बोलते हैं D1। और ग्रोथ रेट दे रखी है 5% की। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, या इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। अगर हम बात करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है, D0 दे रखा है 1, P0 दे रखा है मुझे 20, और ग्रोथ दे रखी है मुझे 5% की, जिसको हम लिखते हैं 0.05। और मैंने आपको बताया भी था कि हमें D1 चाहिए होता है, तो वो होता है D01+G। अब वो कैसे निकालेंगे? 1 ब्रैकेट 1 प्लस 0.05, इसका मतलब हो गया 1.05। ये मेरे पास आ गया, D1 आ गया। और KE का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम KE की बात करें तो KE का फॉर्मूला होता है D1/P0+G और होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, जी हमारे को 5% दे रखा है, D1 हमारे को 1.05 हमने निकाला है, और P दे रखा है 20 का, और प्लस में 0.05 × 100। अगर मैं बात करूं 1.05 / 20, तो आ गया 0.0525 प्लस में 0.05 और होल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा प्लस में 0.05, तो 0.1025 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब हो गया 10.25%। ये क्या आ गया? KE आ गया। ये क्या आ गया? KE आ गया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ये हमारा आंसर है किस चीज का? KE का, जो हमारे से बोला गया था। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, वो देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। फाइव पॉइंट थ्री का सेकंड पार्ट वो देखते हैं।
इफ द सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, याद रखना आपने फॉर्मूले चेंज नहीं करने. मैंने आपको पहले ही बताया है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो मैं करा रहा हूं उस पे थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मैं जो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं बार बार वो फॉर्मूले चेंज नहीं करता. बुक वाले क्या करते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूलों को घुमा देते हैं. हम फॉर्मूला अपने वाले लगाएंगे और आंसर बन वो ऐसे ही जाएगा, बट अगर हम बार बार फॉर्मूले अलग अलग लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम फॉर्मूला अपने वाला लगाएंगे. ठीक है, अभी बताता हूं देखो कैसे. इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 5%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अभी तक जो क्वेश्चन में हमें निकालना होता है वो निकाल के दे रखा है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 8%, याद रखना. वैसे तो मैं बोल रहा हूं बार बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है KO, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी की बात की जा रही है, तो KO ही मेरा KE होगा, क्योंकि और कोई कॉस्ट तो है ही नहीं, तो KE ही मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ग्रोथ दे रखा 5% का. कैलकुलेट मार्केट प्राइस इफ डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर. मैंने बताया था एट द एंड ऑफ द 1 ईयर. मैं आपको फिर दिखा रहा हूं एक बार वो पीछे जो मैंने आपको लिखवाया था, यहां पर देखिए. डिविडेंड विल बी पे हो नेक्स्ट ईयर हो या डिविडेंड विल बी पे एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब होता है D1. मैंने जब आपको ये लिखवाया था तो ये बता दिया था कि इसे D1 कहते हैं. तो क्वेश्चन में मेरे पास साफ साफ जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. मुझे इस बारी KE दे रखा है 8% का, जिसको हम 0.08 कहते हैं. याद रखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया है, क्योंकि ना तो डिबेंचर्स है, ना प्रेफरेंस शेयर्स है, ना लोन है, तो KE ही मेरा क्या हो जाएगा, KO. तो KE है मेरे पास 8%, D1 क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 1, और ग्रोथ दे रखी है मुझे 5% की, जिसको हम 0.05 बोल देंगे. बस हमें क्या निकालना है, हमें पी निकालना है, बारी P0, वो क्या होगा वो निकाल लेंगे. के ई का फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस में G और होल मल्टीप्लाई बाय 100, या आप इसे 100 के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दो, 100 की रहने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पॉइंट्स में लेके चल रहे हैं, इसको और इसको दोनों को हम किस में लेके चल रहे हैं, पॉइंट्स में लेके चल रहे हैं, तो 100 की जरूरत नहीं है. चलिए तो देखते हैं क्या है ये मेरे पास. 0.08 इज इक्वल टू D1. D1 कितना है, 1/P0. P0 मुझे निकालना है और प्लस में 0.05, ये इधर चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 0.08 - 0.05 इज इक्वल टू 1/P0. याद रखना मैंने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों मैंने कंसीडर किस में कर लिए, पॉइंट्स में कर लिए, तो ऑटोमेटिकली 100% वाला खत्म हो गया. अब यहां पर हो जाएगा 0.03 इज इक्वल टू 1/P0. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, P0 इज इक्वल टू 1/0.03. कट के ऊपर 2 जीरो लग गया तो ये आ जाएगा 33.33. ये आंसर आ गया, मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 33.33. ये आंसर आ गया. ये क्वेश्चन हमारे इंटरनल में भी आ चुका है और एक बार पेपर में भी आ चुका है, स्पेशली प्रोग्राम के पेपर में. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये हमारे 2013 में आ चुका है. देखिए फाइव पॉइंट फोर, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर करंटली सेलिंग एट 53. आज का जो मुझे प्राइस गिवन है वो कितना है, 53 है पर शेयर इन द स्टॉक मार्केट.
कंपनी पेड डिविडेंड, याद रखना द कंपनी पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मतलब मैंने आपको बताया था डिविडेंड पेड हो या फिर पे कर रहे हो उसको हम कहते हैं D0. तो ये दे रखा है D0. द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 6% और जी दे रखा है मुझे 6% का. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12% और क्वेश्चन में मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कितनी दे दी है 12%. मतलब मुझे बोला गया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यहां पर है KE, मतलब जितनी मिनिमम मुझे रिक्वायरमेंट है ही. और मिनिमम रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि अगर मैंने 12% से अगर कम प्रॉफिट अर्न किया अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो मुझे कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा. तो यहां पर वो 12% की जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे इतनी कॉस्ट तो आ ही रही होगी, इससे कम अगर प्रॉफिट आया तो मैं लॉस में चला जाऊंगा. तो कम से कम 12% या उससे ज्यादा ही चाहिए. डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, मुझे मार्केट प्राइस मतलब P0 निकालना है. कब कब निकालना है? जब ग्रोथ रेट जो है मेरी एस्टिमेटेड पहले वाले के लिए 6% ही हो, दूसरे वाले के लिए 8% और तीसरे वाले के लिए 4% हो, तो मुझे बताना है कि क्या क्या होगा. तो जो पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम ही है. अगर हम बात करें यहां पे बस 3 पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर है 5.4, याद रखना ये 2013 में पेपर में आ चुका है. अब हमें निकालना क्या है जरा वो देखते हैं. मुझे 3 क्वेश्चन बोले गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसके अंदर जी जो है पहले वाले के लिए 6% है, जी दूसरे वाले के लिए 8% है और जी तीसरे वाले के लिए 4% है. बिल्कुल ठीक है, ये मुझे दे रखा है. मुझे निकालना है पी, हर किसी केस में पी, क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को हम बोलते हैं पी. पी निकालना है. के ई क्वेश्चन में गिवन है 12% की और डी डी जीरो दे रखा है 3 का. चलिए अब हम एक एक करके निकालना शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हमारे को पता है के ई होता है D1 बाय P0 प्लस में जी और होल मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, 100 को यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि हम अपनी परसेंटेज को ऑलरेडी पॉइंट्स में शो कर देंगे. इसको 0.12 कह दूंगा, इसको 0.06, इसको 0.08 और इसको 0.04 कर देता हूं, इसलिए 100 को छोड़ देते हैं. मुझे D0 गिवन है तो यहां पे मुझे D1 चाहिए. तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, D1 हो जाएगा D0 1 प्लस जी. तो D है 3 प्लस में 1 प्लस जी हो जाएगा फर्स्ट 6%, तो 0.06, तो ये आ जाएगा 3.18. अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, के ई हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो D1 by P0 प्लस में जी 0.12, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे दे रखा है 12% की, ये रही. और D1 मैंने निकाला है 3.18 अपॉन में P0. P0 मुझे निकालना है और जी है प्लस में 0.06, ये इधर चला जाएगा, ये चला गया इधर. तो क्या हो जाएगा, 0.12 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 3.18 अपॉन में P0. तो 0.06 इज इक्वल टू 3.18 डिवाइडेड बाय P0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर तो क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा 3.18 अपॉन में 0.06, 3.18 डिवाइडेड बाय 0.06, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया. तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3.18 डिवाइडेड बाय 0.06, तो आ गया 53. तो मेरा शेयर प्राइस आ गया 53 का, ये आंसर आ गया. पहला आंसर ये आ गया है. इसी तरीके से हम अपने बाकी भी करेंगे. एक के अंदर बस जी को 8% लेना है और नेक्स्ट के अंदर 4%. यहां पर मैं एक सेंटर पार्टीशन लाइन खींच के बता देता हूं आपको, ये सेकंड केस करा रहा हूं और ये थर्ड केस करा रहा हूं.
देखिए अब सेकंड वाले के लिए मेरे पास पहले डी वन निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा डी जीरो वन प्लस जी, ये दे रखा है थ्री डी जीरो और जी है यहां पर मेरे पास 8% और यहां पर जी है मेरे पास 4%, तो वन प्लस 0.08 हो जाएगा, तो 3.24 तो ये आ गया डी वन, यहां पर डी वन हो जाएगा डी जीरो वन प्लस जी के अकॉर्डिंग 3 ब्रैकेट 1 प्लस 0.04, तो ये हो जाएगा 3.12, ये यहां पर आ गया। अब हम बस फॉर्मूला लगा देते हैं के ई का, के ई क्या हो जाएगा डी वन बाय पी जीरो प्लस में जी। अब के ई क्या है यहां पर है 0.12 इज इक्वल टू डी वन, वो आ गया 3.24 अपॉन में पी जीरो, पी जीरो मुझे निकालना है और प्लस में जी, जी कितना है अगर हम जी की बात करें यहां पर जी है 8% का, तो 0.08 ये इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.12 माइनस 0.08 इज इक्वल टू 3.24 डिवाइडेड बाय पी जीरो, तो 0.04 इज इक्वल टू 3.24 डिवाइडेड बाय पी जीरो, तो पी जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा, तो 3.24 अपॉन में 0.04, याद रखना ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो पी जीरो की वैल्यू आ गई 81, तो इस वाले केस में जो शेयर की वैल्यू है वो 81 हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले के लिए के ई है डी वन बाय पी जीरो प्लस में जी, तो यहां पर तो 0.12 है और यहां पर है 3.12 डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया पी जीरो निकालना और प्लस में 0.04 ये यहां पे चला गया, तो 0.12 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 3.12 डिवाइडेड बाय पी जीरो, 0.08 इज इक्वल टू 3.12 डिवाइडेड बाय पी जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा पी जीरो हो जाएगा 3.12 डिवाइडेड बाय 0.08, तो पी जीरो की वैल्यू आ गई मेरे पास अगर हम बात करेंगे तो 39 इसकी वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। देख लो ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है सिर्फ थोड़ा सा लेंथी जरूर हमें शायद हो सकता है लग रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जो हमने पहले किया था बिल्कुल सेम है, और ये क्वेश्चन हमारे 2013 में पेपर में आ चुका है। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे आपको बुक का जो ये वाला क्वेश्चन है 5.5, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इसको आप चाहे कट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ५.६ जो अब हम क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन हमारे 2011 में आ चुका है, और 5.6 के बाद से एक नया कॉन्सेप्ट चालू होगा वो हम बारे में बताएंगे, पहले जरा 5.6 देखते हैं एक बार। ये 2011 में आ चुका है जरा ध्यान से देखेंगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 5 लाख रुपीज की, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है 5 लाख रुपीज के, 10% डिबेंचर्स है 10 लाख रुपीज के, टोटल में बस कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए की, डिटरमाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है मतलब WACC निकालना है, और मैंने बताया था जब कभी भी हमारे को WACC निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है हमारे को हमेशा टेबल बनानी होती है, इट हैड बीन पेइंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, ग्रोथ जीरो है, अब क्वेश्चन में ग्रोथ जीरो कर दी तो याद रखना अगर ग्रोथ नहीं होगी तो जो डी जीरो है वही मेरा डी वन होगा, क्योंकि ग्रोथ से ही डिविडेंड बढ़ता है, उसने बोला है कि ग्रोथ है ही नहीं, ग्रोथ नहीं है तो डी जीरो ही मेरा डी वन हो जाएगा। अब यहां पर आप इसे 20 को डी जीरो लिखो या डी वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस में जी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो है,
इनकम टैक्स दे रखा है 30% का, और दे रखा है करंटली प्राइस ऑफ 100 इज 160 जो एक शेयर यहां पर, क्योंकि यहां पे बोला गया है एक शेयर का प्राइस बोला गया है यहां पर 100 रुपए था, जिसका करंटली प्राइस 100 से बढ़कर 160 हो गया है। तो पहले मैं जरा यही बता देता हूं कि है क्या क्या, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स है। तो हम एक बार लिख लेते हैं ये चीज, क्वेश्चन नंबर 5.6 है ये मेरे पास, 2011 में आ चुका है, मेरी बुक के अंदर ये पेज नंबर 148 पर मैं करा रहा हूं, ठीक है, मेरी बुक का पेज नंबर 148 है। चलिए आगे देखते हैं, अब मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्विटी, इक्विटी है 5 लाख रुपीस की, 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख रुपीस के, और 10% डिबेंचर्स हैं, डेट है 10 लाख रुपीस के, टोटल आ गया 20 लाख। ये मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब मैंने जैसे पहले बताया था, अगर इक्विटी गिवन है तो मुझे केई निकालना जरूरी है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है तो मुझे केपी निकालना जरूरी है, और डिबेंचर्स गिवन है तो केडी निकालना जरूरी है। ये चीज तो मुझे यहां पे समझ में आ जाती है। अब एक एक करके पहले हम कॉस्ट ही निकालते हैं। देखो मैंने बताया था के ई का फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस में जी और इनटू में 100। अब देखो यहां पर अगर हम समझे ध्यान से तो P0 का मतलब क्या था, P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और वो क्वेश्चन में दे रखा है अब 160। उसने बोला है कि आज का जो प्राइस है वो 100 रुपए से बढ़कर कितने का हो गया है 160, तो आज का प्राइस करंट मार्केट प्राइस तो 160 हुआ, तो ये P0 हो गया। और डी यहां पर मैं डी लिख लेता हूं क्योंकि यही मेरा D0 और यही मेरा D1 है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो ये दे रखा है मुझे 20 का, और क्योंकि जीरो मैं पहले ही बता रहा हूं दे रखी है मुझे ग्रोथ, तो जी लिखने का फायदा ही नहीं है। तो सीधा केई का फॉर्मूला बन जाएगा D1/P0, इसको छोड़ देंगे, और इंटू में 100, तो क्या हो गया, D1 है 20/P0 160 और इंटू में 100, तो इसका मतलब 12.5% क्या आ गया मेरे पास, केई आ गया, इसको मैंने मार्क भी कर लिया, 12.5% क्या आ गया मेरे पास, 12.5% आ गया केई। अच्छा अब इसके बाद मुझे निकालना है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, टैक्स क्वेश्चन में 30% दे रखा है तो उसके ऊपर हम निकाल लेंगे केपी, केपी क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इयर्स के बारे में नहीं बोला गया है, तो फॉर्मूला लगेगा डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100, डिविडेंड दे रखा है 12%, तो 12/100 इंटू में 100, तो अल्टीमेटली 12% ही क्या हो गया, केपी हो गया, 12% ही क्या हो गया, केपी हो गया। अब हम बात करेंगे डिबेंचर्स की, केडी, केडी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1-टैक्स अपॉन में एनपी और इनटू में 100, यहां पर भी नंबर ऑफ इयर्स के बारे में बात नहीं की गई है, और एक इक्विटी एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक डिबेंचर्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसीलिए हम एनपी को 100 कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर है 10 1-0.3 टैक्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 100, ये कट गया तो आ गया 10 इंटू में 0.7, तो इसका मतलब आ गया 7%, ये आ गया केडी, केडी आ गया मेरे पास 7%। क्लियर हो गया होगा यहां तक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है, तीन चीजें थी मेरे पास क्वेश्चन में,
इक्विटी थी उसकी कॉस्ट आ गई 12.5%, प्रेफरेंस शेयर्स की 12% और डिबेंचर्स की 7%, तीनों की कॉस्ट आ गई, बुक वैल्यू मुझे गिवन है, बस टेबल बनानी है, WACC टेबल। WACC सबसे पहले बनता है सोर्स का कॉलम, फिर बुक वैल्यू का, फिर वेट का थोड़ा सा बड़ा, फिर सीसी जिसे हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लास्ट में डब्ल्यू इंटू सीसी। ये निकाल रहे हैं WACC एट बुक वैल्यू। याद रखना, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि आपने मार्केट वैल्यू पे करना है तो हम तब तक मार्केट वैल्यू पे नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इसका मतलब बुक वैल्यू पे ही करना है। सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, सीसी और डब्ल्यू इंटू सीसी। मैंने टेबल में आपको बता भी दिया था, इसको पूरा लिखना है अपने, सोर्स, बुक वैल्यू, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डब्ल्यू इंटू सीसी। सोर्स में मेरे पास है इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, तीन चीजें गिवन है। बुक वैल्यू गिवन है मुझे 5 लाख और 10 लाख। वेट बनाएंगे हम, मैंने बताया था टोटल ये हो गया 20 लाख। वेट का टोटल हमेशा 1 आता है, तो 5 / 20, 5 / 20 एंड 10 / 20, तो ये आ गया 0.25, 0.25 और 0.50। टोटल कितना आ गया? 1 आ गया। सीसी के लिए इक्विटी की निकली थी 12.5%, प्रेफरेंस शेयर्स की 12% और शेयर्स की, डिबेंचर्स की 7%। ये हमारे को निकली थी, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर 0.25 इंटू में 12.5 तो आ गया 3.125, ये आ जाएगा 3.125%। नेक्स्ट है 0.25 इंटू में 12 तो आ गया 3%, और 0.5 इंटू में 7 आ गया 3.5%। इसका टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम KO बोलते हैं, इसी को हम WACC बोलते हैं। इनको ऐड कर देंगे तो आ गया 3 + 3.5 + 3.125, तो आ गया 9.625%, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं, हम बोलते हैं KO बोलो, WACC बोलो, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, तीनों का मतलब एक है, और ये हो जाएगा 9.625%, ये आंसर आ गया। 9.625% हमारा आंसर आ गया, इसी को हम बोलते हैं अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, यहां तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास पूरा का पूरा बुक वैल्यू का। अभी तक हमारे को बुक वैल्यू के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला था सेकंड क्लास में, वही मैंने क्वेश्चन उसी टाइप का बिल्कुल मैंने क्वेश्चन आपको ये कराया है, और ये 2011 में आ भी चुका है। इसके आगे के अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन होंगे हमारे मार्केट वैल्यू के। दिखाने को मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं, और ये क्वेश्चन मेरा 2012 में आया भी है, ये आप देख सकते हैं 2012 में आया हुआ है, और यहां पे बोला भी गया है कि कैलकुलेट कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अब ये जो है मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा अलग होता है, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे को मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मेरे से जरूर डिस्कस कर ले।